नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो है हमारी स्टोरी हॉरर स्टोरी है, बहुत ही खौफनाक और डरावनी स्टोरी है। तो चलिए आज की हम स्टोरी शुरुआत करते हैं। बहुत साल पहले की बात है, एक गांव में राजवीर नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल की थी। उसे जंगल में शिकार करने का बहुत ही शौक था। एक दिन वो एक घने जंगल में शिकार करने के लिए निकल पड़ा। शिकार करते करते कब रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब रात हो गई तो रात भर रुकने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढने लगा। उस जंगल के बाहर एक बहुत ही बड़ा बंगला था और उसमें भी एक शंभू नाम का अमीर आदमी रहता था, और उसे भी शिकार करने का उतना ही शौक था जितना कि उसको था। वह रोज़ सुबह शिकार पर जाता और शाम को अपने बंगले पर आता था और रात को दारू पीकर आराम से सो जाता था। रोज का उसका यही दिनचर्या था। उस बंगले का रखवाली करने के लिए एक नौकर रखा था जिसका नाम रामू था। रामू अपने परिवार के साथ उसी बंगले में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक 16-17 साल की बेटी थी। उसकी पत्नी और बेटी खाना बनाने का काम करते थे और रामू रखवाली का काम करता था। जब कभी उसके रिश्तेदार वहाँ रुकने आते तो ये तीनों उन लोगों की बड़ी लगन से सेवा भाव करते थे। शाम का समय था, राजवीर अंदर गया और देखा कि शंभू आराम से बैठकर दारू पी रहा है। वह उसके पास जाकर वहाँ कुछ दिन रहने की आज्ञा मांगा। शंभू हाँ बोल दिया और फिर दोनों मिलकर दारू पीने लगे। फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए और राजवीर कई दिनों तक वहीं पर रहा और ऐसे ही उनकी ऐशो आराम की ज़िंदगी चलने लगी। रामू की एक 16-17 साल की बेटी थी। एक शाम उनका मालिक शंभू और राजवीर शिकार करके दोनों वापस आए और नहा धोकर दारू पीने बैठ गए। पीने के बाद उन दोनों को इतना नशा लग गया कि रामू की जवान बेटी पर अपनी गंदी नज़र डालने लगे। वे दोनों उसके पास गए और उसके बेटी के कपड़े को फाड़ने लगे। उसकी बेटी जब डर के मारे रोने चिल्लाने लगी तो उसकी बेटी की आवाज़ सुनकर रामू और उसकी पत्नी वहां उनको बचाने आए तो शंभू उन दोनों को गोली मार कर वहीं पर उनकी हत्या कर देता है और फिर ये दोनों उसके बेटी को नोच नोच कर अधमरा कर देते हैं और अंत में उसको भी गोली मार कर हत्या कर देते हैं और तीनों के लाश को अपने बंगले के पीछे रातों रात दफना दिया। अगले दिन इस बात को किसी को भी भनक तक नहीं लगी। कुछ दिन के बाद शंभू ने फिर से एक नरेश नाम का नया नौकर रखा। नरेश जब पहले दिन बंगले पर आया और अपने काम में लग गया, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। इस बंगले के पुराने नौकर और उसके परिवार के साथ क्या क्या हुआ था और वो कहाँ चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद नया नौकर नरेश गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक आधी रात को किसी के रोने की आवाज़ आई और नरेश की नींद खुल जाती है। उसने एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में टॉर्च लिया और गेट के पास जाकर बोला, कौन है वहाँ जो इतनी रात को रो रहा है। उसने देखा कि गेट के नज़दीक बैठी एक लड़की रो रही है। नरेश उसके पास गया और उसके सिर पर
हाथ फेरते हुए कहा, बेटी रो मत, मेरे साथ अंदर चल। फिर वह लड़की अंदर गई। नरेश ने उसे पीने के लिए एक गिलास पानी दिया और पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और इतनी रात को अकेले इस घने जंगल में क्यों भटक रहे हो? नरेश की इतनी बात सुनकर वह लड़की और तेज तेज रोने लगी। कुछ देर बाद वो शांत हुई और नरेश को बताई कि इस बंगले के पहले नौकर रामू की बेटी हूँ। फिर उसने यह भी बताया कि कैसे इस बंगले के मालिक शंभू और राजवीर ने उसके माता पिता को मार डाला और फिर अपनी प्यास बुझाने के लिए मेरे शरीर को नोच नोच कर मुझे भी मार डाला। फिर हम तीनों के लाश को इसी बंगले के पीछे दफना दिया गया था। उस लड़की की इतनी सी बात सुनकर नरेश डर गया और उसके डर के मारे पसीना निकलने लगा। फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत रखते हुए उसने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई हो तो मेरे सामने कैसे बैठी हो? नरेश की यह बात सुनते ही वह लड़की अचानक से गायब हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसी कमरे के दीवार पर उल्टा लटक जाती है। नरेश यह सब देखकर पूरी तरह से थरथराने लगता है। फिर से अचानक वह लड़की नरेश के सामने आकर बैठ जाती है और बोलती है, चाचा आप डरिए मत, मैं आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। उसकी बातें सुनकर नरेश का डर धीरे धीरे शांत हो जाता है और माथे पर आए पसीने को अपने गम से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने नरेश को वह जगह दिखाई जहां पर उन तीनों को दफनाया गया था। नरेश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों की अस्थियों को निकाला और फिर उस लड़की से वादा किया कि वह उसका मालिक शंभू और राजवीर के खिलाफ कोर्ट जाएगा और उसकी इंसाफ को दिलवा कर रहेगा। इतनी बात सुनकर उसको दिल को तसल्ली मिली। नरेश की बातें सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली कि चाचा आपको कुछ नहीं करना है, उस राक्षस से बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। फिर क्या उस लड़की के बताए अनुसार नरेश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस लड़की से किए हुए वादे के अनुसार उसको माता पिता की अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, लेकिन लड़की के कहे अनुसार नरेश ने ना लड़की के अस्थि को जलाया और ना ही उसकी क्रिया कर्म के लिए कोई भी पूजा पाठ करवाया था। अभी लड़की उसी कंडीशन में थी, क्योंकि उस लड़की ने कहा था कि अगर उसके लिए पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूतनी शरीर से मुक्त हो जाएगी और वह बदला भी नहीं ले पाएगी और फिर उस दरिंदों से अपना बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया। कुछ महीने बाद समूह ने फिर एक नया नौकर ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस बंगले में कोई दूसरा नौकर आने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि नरेश दिन रात वहीं घूमता फिरता रहता था और नए आने वाले नौकर को उस बंगले की भूत वाला कहानी सुनाकर भगा देता था। कभी कभी वह लड़की भी आने वाले नए नौकर को भूत बनकर रात के समय में अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर उसे भी डरा देती थी और वे डर के मारे भाग जाते थे, फिर दूसरे दिन रखवाली करने नहीं आते थे। उस बंगले पर ऐसे ही रोज कितने शिकारी आते,
दारू पीते और मौज मस्ती करते, लेकिन जिंदा वापस कभी नहीं जाते थे, क्योंकि वहां आने वाले हर शिकारियों से उनको सख्त नफरत हो गई थी। जितने भी शिकारी वहां आते थे उनको मार देती थी। कभी कभी वो लड़की एक सुंदर रूप बनाकर जंगल में जाती और दूसरे शिकारियों को अपने जाल में फंसाती और शाम को उस बंगले में ले आती और रात को अपने असली रूप में आ जाती थी और उसे फिर चीड़ फाड़ कर मार डालती थी और उसका खून पी जाती थी। ऐसी घटना कितने दिनों तक चलता रहा और बंगले में मरने वाले शिकारियों के मौत एक रहस्य ही बनी रही। अगर बगल में लोगों के लाश कोशिश करने के बाद भी हत्यारा पकड़ में आता और ना ही उनके लाश, धीरे धीरे यह खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई कि जंगल के पुराने बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की मौत हो जाती है। 5-6 वर्ष बीत गए और अब वह बंगला खंडहर हो चुका था। उस बंगले में कोई भी शिकारी नहीं आता था, क्योंकि अब किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां रात को ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए और वो भूतनी उसी बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती रहती थी। दिन में उधर जाने आने वाले लोगों को एहसास होता था, क्योंकि वह हमेशा रोती रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। फिर भी उसने शहर और गांव में घूम घूम कर ढूंढने की कोशिश करने लगी। 2-4 दिन की मेहनत के बाद एक गांव में अपने दोनों हत्यारे शिकारी को पहचान ली और उसी दिन शाम के समय एक बहुत सुंदर लड़की के रूप बनाकर उसके पास गई और दोनों को अपनी सुंदरता में फंसा लिया। ऐसे उसने 2-3 बार लगातार उन लोगों से मिलती रही पर पूरी तरह से अपने जाल में फंसा लिया। वे दोनों उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, जैसे बोलती थी वैसा वे दोनों करते थे। फिर एक दिन बोली, क्यों ना हम लोग किसी दिन जंगल में घूमने के लिए चलते हैं और जंगल में शिकार करते हैं। वे दोनों बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो। दोनों अच्छी तरह से उसकी माया जाल में फंस चुके थे। फिर दूसरे दिन ये तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। दिन भर शिकार के साथ साथ मौज मस्ती भी किए। फिर शाम के समय होती है और शंभू और राजवीर उस लड़की से बोले, अब सूर्य ढलने लगा है और थोड़ी देर में रात हो जाएगी, हमें घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक भूतिया डरावना बंगला भी है, उस बंगले में हमें नहीं जाना चाहिए। तभी भूतनी बोली, डरो मत, आज रात हम यहीं ठहर कर जंगल का आनंद लेते हैं। राजवीर बोला, यह कैसे रुक सकते हैं, यहाँ तो आसपास कोई भी घर नहीं है। भूतनी उसकी बात सुनी कर मुस्कुराने लगी और बोली, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे एक दोस्त की इसी जंगल में एक छोटा सा घर है, क्यों ना आज रात को हम वहीं पर रुकते हैं, हम वहां पर रुक जाएंगे। दोनों उस भूतनी की बात मान लिए और उसके कहने पर वहां चले गए। रात को पार्टी शुरू हो गई। अब भूतनी अपनी डरावनी और भयंकर रूप में उन दोनों के सामने आई और उनको अपना भयानक रूप दिखाने लगी। उसको इस रूप में देखकर दोनों के पसीने निकलने लगे। ऐसा रूप देखकर अच्छे अच्छे के पैंट गीली हो जाती है, फिर वो क्या चीज थे। फिर भूतनी ने ग्लास में जूस के बजाय खून लिया और उसे पीना शुरू कर देती है, उन दोनों दुष्टों को पिलाना शुरू कर देती है। अब उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि उसको ना कहे, क्योंकि वे पूरी तरह से
डरे हुए थे और कांप रहे थे। उसके बाद वो भूतनी अपना और ज़्यादा विकराल रूप बनाकर उन दोनों पर कूद पड़ती है और अपने बड़े बड़े नाखूनों से उनको शरीर को चीर देती है और फाड़ देती है और उसके खून को पीने लगती है। फिर उसके दोनों आँखों को निकाल कर खा जाती है और इसके बाद उसे एक पत्थर पटक पटक कर दोनों को मार डालती है। मुझे आशा है कि आपको यह भूतिया कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी है। और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में। तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।